इस वीडियो में मैं ये कहानी कंप्लीट कर दूंगी और एक नई कहानी लेके आऊंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपके मन में कोई स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। शाने बोलता है जाओ को कि उसे कोई भी ऐतराज नहीं है इस गेम प्ले में यदि जाओ पार्टिसिपेट करता है तो। और इसी बात को लेके दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तभी शाने बोलता है कि तुम्हारा जो हाथ है जाओ वो मुझे ब्लॉक कर रहा है। जाओ का हाथ शाने की कमर पे होता है। तो जाओ बोलता है कि लेकिन ऐसा एक कोई पोज जरूर होगा ना स्क्रिप्ट में, ड्रामे की स्क्रिप्ट में। तो शाने बोलता है नहीं, तुमने रॉन्ग किया है, ये गलत किया है। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो ये है कि प्रिंसेस जो है वो प्रिंस की बाहों में गिर जाती है और मर जाती है, और वो उसे वैसा करके दिखाता है कि ऐसा करना है। तभी शाने पूछता है कि जाओ क्या तुम सच्ची में प्रिंसेस वाला रोल करना चाहते हो क्या। तो जाओ बोलता है कि यदि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो मैं शायद ये कर ले जाऊंगा। तो शाने सोचता है क्या ये जो जाओ है वो बहुत जल्दी ही करेक्टर के अंदर नहीं घुस गया है क्या। तभी इनका जो शाने का दूसरा दोस्त है वो अपने घर में रहता है और अपना रात वहाँ पर गुजार रहा होता है। और वो सोचता है कि जब से शाने ने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया है तब से वो रात में बिल्कुल भी यहाँ नहीं आता है। क्या आज भी वो अपने दोस्त के यहाँ पर ही रहेगा क्या। और उसे ये भी नहीं पता है कि ड्रामे में जो लोग हैं वो किस टाइप का सर्कल है, वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। और उसे ये भी नहीं पता है कि वो एक्चुअली में किसके घर में रात में रुकता है। तभी उसके दोस्त के फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आता है और वो मैसेज खोल के देखता है। तो शाने बोलता है कि डायू जो है वो अभी तक अपने हॉस्टल में नहीं लौटा है करके। तो वो बताता है कि मेरी जो बस है वो मिस हो गई है, इसीलिए मैं अभी बाहर ही खड़ा हूँ। तो शाने सोचता है कि यदि उसे पता होता कि बस मिस हो जाती, बस मिस हो गई होगी तो वो जाओ के ही घर में रह जाता, उसे यहाँ पर ऐसे बैठना नहीं पड़ता। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है। और तभी वो याद करने लगता है कि जाओ ने बोला था कि वहाँ पर एक किसिंग सीन भी है। शाने बोलता है कि फूली ने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, पहले तो ये सीन नहीं था यहाँ पर। तब जाओ बताता है कि जो प्रिंस है उसने जितने भी बैड गाइज थे उन्हें भगा दिया था जो प्रिंस को बुली कर रहे थे, और फिर बाद में वो प्रिंसेस को आखिरी में एक किस देता है। तो शाने जो है वो बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है किस तुम चीक पे कर लेना, गाल पे कर लेना मेरे, और कोई बात नहीं। तो शाने और जो स्क्रिप्ट को मोबाइल में देखते हैं और उसमें लिखा होता है कि ऐसा ही लिखा है कि गाल के ऊपर किस करना है। तो शाने बोलता है कि लेकिन हम चीट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम किसी चीज़ के द्वारा दिखाएंगे हम किसिंग कर रहे हैं लेकिन हम किस नहीं कर रहे होते हैं। और बताता है कि तुम्हारी जो बैक है वो ऑडियंस की तरफ फेस कर रही होगी करके। तो शाने जो है शर्मा जाता है और बोलता है कि मुझे जाना होगा अभी, क्योंकि उसे बहुत गुदगुली लग रही होती है जो उन्हें उसे अपनी बाहों में ले रखा होता है। और शाने को बड़ी शर्म आती है और वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इस तरह का साउंड भी निकाला करके। तभी शाने और डेयू मिलते हैं और डेयू बोलता है कि क्यों ना हम कोई एक ऐसी जगह ढूंढे जहां पर हम रात गुजार सकते हैं। तो वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहां बोलते हैं क्या हमें एक रूम मिलेगा क्या दो लोगों के लिए, या फिर हमें दो रूम मिलेंगे दो लोगों के लिए। तो जो काउंटर पे आदमी होता है वो बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, क्या आप उसे में एडजस्ट कर सकते हो। तो वो दूसरे लोग बोलते हैं जो जोऊ का भाई है और लाऊ है, वो दोनों बोलते हैं ठीक है हमें एक एक ही रूम दे दो। और लाऊ बोलता है कि हम वैसे भी रिलेशनशिप में। तो जाऊ का भाई बोलता है कि आप इसकी बात का वो मत बुरा मत मानिए, ये इसने जरा पी रखी है इसलिए ये ऐसे कुछ भी बड़बड़ा रहा है।
तब जोहू का भाई अपने फोन में देखता है और सोचता है कि स्क्रीन का पासवर्ड क्या है, मैं किसे किसी को कैसे कॉल करूं इसके लाऊ को उसके घर पे भेजने के लिए, क्योंकि लाऊ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो नशे में है। तो लाऊ बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो जाऊ का भाई बोलता है तो फिर तुम यहीं सो जाओ आज के दिन रेस्टोरेंट में बार में। तो लाऊ बोलता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मुझे तो बिस्तर पे ही सोना है, मुझे बिस्तर पे ही सोना है किसी भी तरह। और बोलता है चैन चलो हम होटल चलते हैं और वहां जाके हम एक रूम ले लेंगे। इसलिए चैन ने वो होटल में एक रूम बुक कर लिया होता है और वो दोनों एक रात उस रूम में रहते हैं। तभी वहां पर शाने भी पहुंचता है और साथ में डोव भी पहुंचता है और वो दोनों भी बोलते हैं कि आपके पास कोई रूम खाली है क्या जो उसमें हम लोग रह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रूम दे दीजिए जिसमें हम दो लोग आ जाएं। और तभी डाउ बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है कि वो अब शाने के साथ एक रूम में रह सकता है। तभी शाने और डाउ देखते हैं कि जोऊ का भाई चैन और लाओ जो उसकी चैन की गोद में है वो लोग भी उसी होटल में हैं और चैन लाऊ को गोद में उठा के कहीं ले जा रहा है। और तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो शाने को और जाऊ को, शाने और इसको क्या कहते हैं डाऊ को, और रूम कार्ड दे देती है। और वो दोनों एक कमरे में जाके सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो दोनों अपने सीनियर से लाउई से मिलते हैं जो कि चैन की गोद में है और पूछते हैं बोलते हैं कि क्या आप वाकई में कपल हैं। तो जो जाओ का भाई चैन है वो बोलता है नहीं हम लोग कपल नहीं है, हम बस यहाँ पर थोड़ा ड्रिंक पीने के लिए और रहने के लिए आए हैं। और वो दोनों फिर शाने और डेयू जो है वो लिफ्ट लेते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तभी डेयू बोलता है शाने से क्या कि सीनियर लाऊ जो है उनके पास कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या। तभी जो जाऊ का भाई चैन है वो सोचता है कि शायद एक रात एक रूम में एक लड़के के साथ गुजारने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर जाऊ का भाई होटल के रूम में एंटर कर लेता है और नहा के निकलता है और सोचता है कि मैं क्या एक और एक रूम बुक कर लूं, क्या मतलब सिंगल रूम बुक कर लूं तो मुझे ये लाऊ के साथ नहीं सोना पड़ेगा। पर फिर सोचता है कि मैंने अभी अभी तो अपने पापा से दो घर खरीदे हैं और रेस्टोरेंट का बिजनेस भी ठीक ही ठाक चल रहा है, लेकिन पैसा तो लगेगा रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाने के लिए, तो मुझे शायद पैसा बचाना चाहिए और दूसरा रूम नहीं लेना चाहिए। ऐसा सोच के जाओ का भाई चैन जाके बिस्तर पर बैठता है तो लाओ उसको पीछे से हक कर लेता है। तभी चैन सोचता है कि शायद मुझे वाकई में दूसरा रूम सच में बुक कर लेना चाहिए। तब वो वहाँ फोन लगाता है रिसेप्शनिस्ट पे और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि कोई भी रूम नहीं बचा है। तो फिर बोलता है तो क्या आप मुझे मेरे कपड़े सुखाने में मदद कर सकते हैं क्या, लॉन्ड्री के लिए मेरे जो कपड़े हैं वो गीले हैं और मैंने उन्हें धो दिया है और मैं उन्हें पहन नहीं सकता। तभी लाओ देखता है कि चैन की पीठ उसकी तरफ है तो बोलता है कितना अच्छा शेप है तुम्हारे बॉडी का, मैं बस एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहता था, हमें कितनी जल्दी अपने एक बॉयफ्रेंड से मिल भी गया। और तभी वो बोलता है कि मैं एक बाथरोब ढूंढना चाहता हूँ, उसे पहनना चाहता हूँ और यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तभी लाओ बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो फिर से। तो चैन बोलता है उसकी तरफ देखता है तभी लाओ चैन को किस कर लेता है और लाओ पूछता है क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगे और मैं इस बार ब्रेकअप नहीं करूंगा आसानी से। तभी चैन बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। तो लाओ बोलता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हमेशा दूसरों के द्वारा ही पटाया गया हूँ, दूसरे लोग मुझे चेस करते थे लेकिन मैं इस बार किसी और को चेस कर रहा हूँ, वो तुम हो। तो चैन बोलता है कि तुमने ज्यादा पी रखी है,
शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम पटाना चाहते हो करके। तो लव बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कभी किसी और को इस तरीके से किस नहीं किया है, मेरा नाम लव ही है, तुम्हारा नाम क्या है? तो चैन बोलता है कि मेरा नाम चैन है। तभी लवली बोलता है, चैन तुम्हें पता है यदि तुम अपना दिल किसी को नहीं दोगे तो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होगा और ना ही कोई अननेसेसरी के ट्रबल्स होंगे। तभी मेरे फादर कहते थे जब मैं बच्चा था तब, कि कुछ भी करो लेकिन किसी को अपना दिल मत दो। और मैं इतना बोर था कि मैं हमेशा किसी से भी अपना कन्फेशन कर देता था लव का, और बाद में वो लोग मुझे छोड़ के चले जाते थे या मैं उन्हें छोड़ देता था। तो लोग कहते थे कि मैं बहुत ही हार्टलेस आदमी हूँ और मैं बहुत ही जल्दी ब्रेकअप भी कर लेता हूँ, पर मैं कभी भी अपसेट नहीं हुआ ये सब करके। बट मैं मुझे जेलस होता है शाने को और जोहू को देख के, कैसे वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पीली रहते हैं, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो लावली पूछता है चैन से, क्या तुम सोचते हो कि मैं बहुत ही पैथेटिक हूँ? तो चैन अपने मन में सोचता है कि वो कुछ कहना नहीं चाहता है, और वो बोलता है, उसके सिर पे हाथ देता है और बोलता है कि तुम रो मत लावली, सब ठीक हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ होटल के रूम में दोनों लड़के सो नहीं पा रहे होते हैं, और ये दोनों लड़के कोई और नहीं, शाने और डाऊ हैं जो उसी होटल में आए हैं रहने के लिए। तो डाऊ देखता है कि शाने साउंड स्लीप सो रहा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। तभी वो सोचता है, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से क्यों देख रहा हूँ? नेक्स्ट डे जीना यूनिवर्सिटी, और डाऊ बोलता है कि उसे बहुत नींद आ रही है क्योंकि वो रात में तो ठीक से सो नहीं पाया था, सारी रात वो शाने को ही देखता रहा था। तभी शाने बोलता है कि मैं ड्रामा क्लब जा रहा हूँ। डाऊ बोलता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो दोनों लड़के ड्रामा क्लब के रूम में जाने की तरफ बढ़ते हैं। तभी शाने पूछता है, क्या तुम साथ में चलना चाहोगे? डाऊ बोलता है कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं ना, वैसे भी तो मैं साथ में चलने के लिए बोल रहा था। और वो पूछता है कि तुम्हारे ड्रामा क्लब में अभी भी किसी को एक्टर की जरूरत चाहिए क्या? तो शाने बोलता है, हमारे डिपार्टमेंट में एक्टर्स बहुत हैं लेकिन एक्ट्रेसेस नहीं है। तो डाऊ बोलता है, ओ आई सी। तभी जैसे ही वो अंदर आते हैं देखते हैं कि जाऊ जो है वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस ड्रेस में खड़ा हुआ है, और जाऊ शाने को देख के बोलता है शाने, और शाने ना एकदम शर्मा जाता है उसको देख के, क्योंकि जाऊ बहुत सुंदर लग रहा था और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और देखता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है इस ड्रेस में। और जाऊ पूछता है कि शाने, क्या मैं इस ड्रेस में सुंदर दिख रहा हूँ? तो शाने बोलता है, नहीं तुम एक्चुअली में नहीं लग रहे हो, बट तुम बहुत ही करके बहुत सुंदर लग रहे हो। लेकिन वो ये बात उसको बोलता नहीं, और वो बोलता है कि हम अपना रोल क्यों ना स्विच कर लें, मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें इस कपड़े में देखें। तभी डाऊ का मूड खराब हो जाता है क्योंकि डाऊ को भी तो शाने से प्यार है लेकिन वो कभी भी कन्फेस नहीं कर पाया होता है। तो रिहर्सल चालू होती है और एक लड़का मतलब शाने तलवार को जाऊ की गर्दन पे रखता है और उसको बोलता है थोड़ा नीचे झुको करके। अब तभी शाने बोलता है कि अपना जो जिस आदमी ने उसके गले पे तलवार रखी होती है वो उसको बोलता है कि तुम अपना तलवार नीचे रखो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शाने बोलता है, तुम सोचते हो कि ऑडियंस जो है वो पागल है? तो डाऊ स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठ के ये ड्रामा देख रहा होता है और बोलता है, पूछता है कि यहाँ पर कोई भी एक्ट्रेस क्यों नहीं है? तो जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बोलती है, ये सब हमारे प्रेसिडेंट की वजह से है, उन्होंने सारी लड़कियों को डरा दिया जिसकी वजह से वो ड्रामा क्लब छोड़ के चली गई। तो डाऊ बोलता है कि जो आदमी प्रिंसेस का रोल कर रहा है उसे लगता है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो स्क्रिप्ट राइटर पूछती है, क्या तुम जाऊ को जानते हो? वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से है और वो बहुत ही कम समय में कॉस्ट्यूम्स को बना के अपना काम कर रहा है। तो
डाउट पूछता है क्या वो भी इस ड्रामे में एक्ट कर सकता है। तो स्क्रिप्ट राइटर पूछती है क्या तुम सच में इस ड्रामे में पार्ट लेना चाहते हो। वो बोलता है हाँ। और स्क्रिप्ट राइटर बोलती है कि बैंडिट जो है वो थोड़ा हाइट में छोटा है, इस लड़के को बैंडिट का रोल ट्राई करने दीजिए। और डाउ सोच रहा होता है कि मुझे ये रोल नहीं चाहिए था। तभी शान बोलता है कि डाउ तुम्हें भी इसको ज्वाइन करना है क्या ड्रामे को। तो डाउ बोलते हैं हाँ मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो जाओ ये देखता है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो उसे बड़ा बुरा लगता है। और वो जाऊ को बोलता है, डाऊ बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक डिमॉन्स्ट्रेशन दूँ। तो बोलता है हाँ। और ना वो डाऊ जो है जाऊ का हाथ बहुत कस के पकड़ लेता है और उसकी गर्दन भी बहुत जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी तलवार नीचे रखो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। स्क्रिप्ट राइटर बड़ी खुश हो जाती है ये देख के कि अरे कितना रियलिस्टिक लग रहा है सीन, और कहती है गुड जॉब। लेकिन हकीकत यह होती है कि डाऊ अपना गुस्सा जाऊ के ऊपर सच में निकाल रहा होता है, क्योंकि जाऊ ने पहले शाने को प्रपोज कर दिया होता है। और शाने सोचता है कि तुमने तो ऐसे एक्टिंग की जैसे कि सच्ची में वाकई में ये सब हो रहा है। तो स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत खुश हो जाती है कि हाँ हाँ इसने वैसे ही एक्टिंग किया जैसे लोग सच में किसी को छेड़ते हों। तभी शाने बोलता है कि मैं भी सेम साइज का हूँ, क्या मैं भी रोल बदल सकता हूँ क्या। तो स्क्रिप्ट राइटर पूछती है क्यों। तो वो बोलते हैं कि प्रिंसेस जो है वो सेम हाइट की है तो जाऊ का रोल हम डाऊ को दे देते हैं और डाऊ को हम प्रिंसेस बनने देते हैं और जाऊ को बैंडिट बना देते हैं। शाने तुम क्या सोचते हो, ऐसा करके स्क्रिप्ट राइटर पूछती है। और दूसरी तरफ चैन पूछता है लाऊ से क्या तुम उड़ गए हो। और लाऊ बोलता है मेरा हेड जो है बहुत हैवी लग रहा है, सिर में दर्द सा हो रहा है। और चैन सोचता है कि ये आंखें कितनी उदासी से भरी हुई हैं। और लव बहुत खुशी से उठता है और बोलता है मॉर्निंग, और पूछता है कि हमने कल रात को कुछ किया। तो चैन अपने मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये कितना दुखी लग रहा है। और लावली बोलता है, अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं कितना भी चाहूँ कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड हो लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने कल रात को उसके साथ किया। लावली अभी भी सोच रहा है कि उसके और चैन के बीच में रात में कुछ हुआ था। तो चैन बोलता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं कि कल रात को क्या हुआ था। तो लावली बोलता है नहीं मैंने तो बहुत सारा कल दारू पी ली थी और इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। और सोचता है कि यदि मैं बोलूँगा ये कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है तो उसे शायद बुरा लगेगा। तो वो आगे से ऑफर देता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। और सोचता है कि ये आखिरकार आदमी है लेकिन मैंने इसका पहली बार ले लिया है तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो चैन बोलता है लेकिन दो आदमी एक साथ कैसे हो सकते हैं। लावली बोलता है कि मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है और सीरियस भी है बट मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो चैन पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। लाली बोलता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें आगे फ्यूचर में भी बहुत पसंद करूँगा और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद ही करता रहा। तो चैन बोलता है कि ठीक है फिर हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं और वो एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर लेते हैं। और तभी ये सोच रहा होता है कि उसका नाम क्या है। और तभी लावली सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट है और मैं इसी के बार में जाके दारू पीता हूँ। तभी चैन बोलता है कि मुझे बाहर जाना होगा बार में, तो तुम यहाँ से 12 बजे से पहले चेकआउट कर देना। और लावली बोलता है थैंक्स और जाओ फिर कहता है ठीक है मैं फिर चलता हूँ। और तभी लावली बोलता है अरे तुम ऐसे ही जा रहे हो। तो चैन बोलता है और क्या चाहिए। तो लावली बोलते हैं यदि हम रिलेशनशिप में है ना अब। तो चैन बोलता है हाँ और हम इसे ट्राई कर सकते हैं पर मैं अभी बिजी हूँ तो मुझे जाना होगा। तो लावली बोलते हैं ओके बेब कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जाओ हम बाद में बात करेंगे। और फिर चैन चला जाता है। और तब लावली सोचता है कि बाहर जो है वो उन तो रात भर
चलता है, और जो चैन है वो स्कूल में नहीं रहता है, ना ही स्कूल के मतलब कॉलेज के उनके हॉस्टल वाले रूम्स में रहता है, तो वो कहाँ रहता होगा? क्या वो एक छोटे से घर में, रेंट के घर में रहता होगा? क्या ये बहुत ही दुख वाली बात होगी कि एक वो छोटे से घर में रहता होगा? तो क्या मैं उसे अपने साथ मूव इन करने के लिए पूछूं? और वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ और मुझे बहुत ही बोरियत लगती है, तो यदि हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी दूसरी ओर ड्रामा क्लब में जाओ बोलता है, तुम अपनी शॉट को नीचे रखो, अपनी तलवार को नीचे रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो शाने बोलता है कि ये शायद कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ रोल स्विच करने में। तो डिसाइड होता है कि जाओ जो है वो बैंडिट का रोल करेगा और डाउ जो है वो प्रिंसेस का रोल करेगा, और जो शान है वो प्रिंस होगा। तो दोनों लड़के हाँ बोलते हैं उसे। तभी डाउ बोलता है कि सच में मुझे ये वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा। तभी जाओ की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बड़ी कनिंग आई से देखता है और कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें ये वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा क्योंकि तुम तो एक्टिंग में बेटर हो ना। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों लव राइवल है ना, दोनों को ही शाने पसंद है। और डाउन फट से शाने के गले में हाथ डाल देता है और बोलता है ठीक है, यदि ये रोल स्विच हो रहा है शाने के साथ तो मुझे खुशी है। तभी शाने बोलता है क्या तुम पिटाई खाना चाहते हो, जाओ जाके अपने कपड़ों को ट्राई करो। और तभी शाने सोच रहा होता है कि प्रिंसेस और प्रिंस के बीच में किसिंग किसिंग सीन भी है, लेकिन कैसे जाओ ने ये रोल स्विच करने के लिए हाँ बोल दिया, और वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी डाउ बोलता है कि भाई तुमने ये रोल जो मेरे साथ स्विच किया है क्या वो इसलिए किया कि तुम्हें ये लड़कियों का ड्रेस ना पहनना पड़े? तो जाओ बोलता है नहीं, मेरा एक्टिंग इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैंने ये रोल स्विच किया है। तो जाओ बोलता है लेकिन तुम इतना अच्छा एक्ट कैसे कर लेते हो? तो डेयू बोलता है कि मुझे शाने का डिपार्टमेंट ज्वाइन करना था ड्रामा का, तो मैंने पहले से ही थोड़ी प्रिपरेशन की थी, पर उन लोगों को सिर्फ फीमेल एक्ट्रेसेस ही चाहिए थी तो मेरे को नंबर ही नहीं मिला। तो जाओ बोलता है अच्छा तुम प्ले में इंटरेस्टेड थे, मुझे लगा कि तुम भी शाने में इंटरेस्टेड हो। तो डो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जाओ बोलता है लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि ऐसी बात है कि तुम भी शाने पे तुम्हारा को क्रश है। तो डो बोलता है लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो जो बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा ये एटीट्यूड फ्लर्टिंग वाला वो सारा का सारा मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे इससे देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो डो जाओ बोलता है कि तुम सच में उसको शाने को पसंद करते हो, लेकिन आज तक तुमने उसे बताया नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो, ऊपर से तुम एक कावर्ड हो जो अपनी फीलिंग्स को बता भी नहीं सकते हैं। तो डो बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं कावर्ड हूँ? तो जो बोलता है हाँ तुम एक्चुअली में कावर्ड हो और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो डो बोलता है ठीक है मैं शाने को पसंद करता हूँ, और जो सोच रहा होता है कि मैंने सही आदमी को ब्लेम किया है। तभी डो याद रखने लगता है, याद करता है कि पहले क्या हुआ था, कॉलेज लाइफ कितना फ्री होता है, और वो अपने हॉस्टल में एक फ्रेशर मैन की तरह आया था और वो बीमार हो गया था। तभी निशाने आया था और उसने भी चेक किया था उसका फीवर और कहा था कि अरे तुम्हें तो बहुत फीवर है, कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी क्लास से छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हें आराम करना चाहिए। और तब डोव को बहुत प्यास लग रही थी, डोव का फीवर उसको चेक करने के बाद शाने भी छुट्टी ले लेता है और शाने उसकी सारा दिन सेवा करता है और बोलता है कि यदि तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। और शाने अब डोव को ब्लैंकेट वगैरह उड़ा देता है और उसको काफी देर तक देखता रहता है कि उसकी तबीयत और तो नहीं बिगड़ जाएगी।
तो डोग सोच रहा होता कि यदि ये लड़की होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये लड़की नहीं है। तभी वो बोलता है कि डॉग बोलता है जाऊ को कि शाने जो लड़का है, शाने तो लड़का है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग किस तरह की गॉसिप्स करेंगे? तो जो ने बोला, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे वो पसंद है और मुझे किसी से डर नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में फिक्र करता हूँ जो मेरे खास हैं, मैं सबके बारे में फिक्र नहीं करता। तो डॉग बोलता है, तो तुमने आज तक शाने को बताया क्यों नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? तो जाओ बोलता है कि यदि मुझे किसी की परवाह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी परवाह नहीं है। तो डॉग बोलता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन मैं जल्दी ही शानी को बता दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी जो दूसरी तरफ जो है लावली, वो चैन को मैसेज करता है कि बेब, क्या तुम आजाद को मेरे यहाँ पर सोना चाहोगे? मेरा बिस्तर भी बड़ा है और मेरा घर भी बहुत बड़ा है। बेब, क्या तुम बिजी हो? प्लीज मुझे रिप्लाई दो। और लावली सोच रहा होता है कि जाओ आज प्रिंसेस का ड्रेस पहनेगा तो कैसा दिखेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ। तभी जो बैंडिट का रोल प्ले कर रहा है जाओ, वो कहता है कि ये जो कपड़े हैं थोड़े से स्मॉल हैं, मैं इन्हें थोड़ा लंबा करना चाहता हूँ। और जो प्रिंसेस है डाओ, वो बोलता है कि मेरा तो कपड़ा बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी पे लाओ और फूली एक दूसरे को देखते हैं। फूली को वो लाओ पूछता है, क्या ये आदमी प्रिंसेस का रोल प्ले कर रहा है? तो स्क्रिप्ट राइटर पूछती है कि लावली तुम यहाँ क्यों हो? और वैसे भी वो शाने का रूममेट है तो उसका एक्टिंग बहुत अच्छा है, और उन दोनों का रिलेशनशिप जाओ के साथ कुछ अलग तरीके का है। मैंने उन दोनों को फिटिंग रूम में एक दूसरे से बात करते हुए भी सुना था। और दूसरी तरफ चैन सोच रहा होता है कि क्या करे। तभी लाओ आता है और बोलता है कि आज बेब, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को देखा। तो ये जो चैन है वो बोलता है, ओ बताओ क्या था? तो जो लावली है वो बताता है, ए को बी पे क्रश है, बी को सी पे क्रश है, और ए और सी लव में है। यानी कि उनका मतलब ये है कि शाने और जाऊ एक दूसरे के लव में है, लेकिन डाऊ को भी शाने के ऊपर क्रश है और शाने को ये बात नहीं पता है। क्या तो क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है? तो चैन बोलता है, कहीं तुम अपने क्लब ड्रामा के बारे में तो बात नहीं कर रहे है? तो लावली बोलता है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम और जानना चाहते हो? तो चैन बोलता है, हाँ उस प्ले के बारे में मुझे बताओ। मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है कि जाओ भी उस ड्रामा क्लब में है। तो लावली बताता है कि जो लव स्टोरी है वो 18th सेंचुरी की है, और जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और वो बहुत ही स्टाइलिश हैं। और वो कहता है, मुझे 1 मिनट रहने दो और मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ। और बताता है कि प्रिंसेस कॉस्ट्यूम के अलावा सारे कॉस्ट्यूम्स को बदलना पड़ा और थोड़ा ऊपर नीचे भी एडजस्ट करना पड़ा। और तभी चैन बोलता है, ये ABC हैं जिनके बारे में तुमने मेंशन किया था। वो बोलता है, हाँ। तभी दूसरी तरफ ड्रामा क्लब में डाउ बोलता है कि ये बहुत हुआ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, रिहर्सल को यहीं बंद करना चाहिए। और तभी शाने बोलता है कि डो, तुम जाके जल्दी अपने कपड़े बदलो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो डो बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे सर्दी लग जाएगी, मुझे लगता है मैं इसलिए चीख रहा हूँ क्योंकि शायद कोई मुझे याद कर रहा है। तभी जो शाने को आवाज़ देता है और शाने जो की तरफ देख के पूछता है, क्या हुआ? तभी बोलता है, जो कि आज रात तुम मेरे घर आना चाहोगे? तो शाने बोलता है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे साथ करने के लिए कोई सीन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा तुम्हारे घर आके? तो जो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी लाइन से याद करने में मदद कर सकता हूँ। तो शाने बोलता है, लेकिन ये सब तो डो भी कर सकता है, और वैसे भी सारे सीन्स तो मेरे डो के साथ ही हैं।
तो जो बोलता है कि तुम अपने फिर हॉस्टल में वापस जा रहे हो, तो शाने बोलता है हाँ मैं अपने हॉस्टल में बाहर जा रहा हूँ और वापस जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं डोगों के साथ प्रैक्टिस करूँगा। और तभी जो बोलता है आई एम सॉरी, तो शाने बोलता है लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो जो बताता है कि मैं प्रिंसेस का रोल ढंग से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है और मुझे लगा कि मेरी खराब एक्टिंग की वजह से तुम्हें कुछ डिस्टरबेंस होगा इसीलिए मैंने ये रोल स्विच कर दिया। तब शाने सोचता है कि मुझे पता ही नहीं था कि जो अपने मन में क्या सोच रहा था। और दो बोलते हैं चलो हम हॉस्टल वापस चलते हैं, तो शाने बोलता है मैं अपने कपड़े बदल के आता हूँ। और तभी जो सोचता है कि मैं वो उससे बहुत जोर से चिल्लाना चाहता है और बोलना चाहता है कि वो शाने से प्यार करता है। तभी डो और शाने दोनों कपड़े बदल के बाहर जाते हैं और डो पूछता है कि शाने हम किसिंग सीन के साथ कर क्या करेंगे। तो शाने बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीट इस्तेमाल कर लेंगे। और पीछे से जो की आंखें लाल हो जाती है और उसे बड़ा उदासी सा महसूस होता है क्योंकि उसे एक्चुअली जेलसी महसूस हो रही होती है। तो दोनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं जाओ की तरफ, पूछते क्या तुम घर नहीं जा रहे हो। तो जाओ बोलता है मुझे कुछ बात करनी है शाने से। तो डाओ बोलता है ठीक है फिर तुम दोनों बात करो मैं चलता हूँ। तो शाने बोलता है क्या बात करनी है तुम्हें, तो वो शाने का हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाता है और बोलता है शाने मेरे साथ तुम मूव इन कर लो, मेरे साथ रहो। तो शाने बोलता है वाह क्यों मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर लूँ, तो जो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो शाने बोलता है लेकिन तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे साथ मूव करके करूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर के सारे काम काज करूँ। तो जो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैंने ऐसा कब कहा, यदि मैं लेकिन अपने दिल की बात कहूंगा तो तुम डर के भाग तो नहीं जाओगे। तो शाने बोलता है क्या सीरियस बात है। तो जो आखिरकार बोल ही देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुम्हें हमेशा से मैंने तुम्हें पसंद किया है और हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। तभी शाने सोच रहा होता है कि ये जो लाइक वाला शब्द उसने बोला कहीं वो इसलिए तो ऐसा नहीं बोला कि कहीं वो दोस्ती वाला लाइक हो और वो सोच रहा हो कि वो प्यार वाला लाइक है। और बोलता है जो सोचता है कि फ्रेंड्स के हम सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं। तभी शाने बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है उस टाइप वाला लाइक करते हो तुम मुझे जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं। तो जो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने सब कुछ गलत तरीके से ले लिया। तभी शाने बोलता है क्या मैंने सच में गलत में ले लिया है इसको। एक्चुअली दोनों बॉयज नर्वस हैं एक दूसरे को अपना फीलिंग बताने के लिए और आड़े तिरछे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि एक दूसरे को हर्ट ना कर लें। और तभी दोनों घर जाते हैं और जाओ और शाने सोफे पे बैठते हैं। तभी शाने बोलता है क्या तुम्हारा पहला प्यार एक लड़की नहीं थी, मैं तो एक लड़का हूँ। तो तभी अपने मन में सोच रहा होता कि जिस लड़की से जोर ने पहली बार प्यार किया था वो कोई और लड़की नहीं थी, वो खुद ही था और वो उस वक्त बच्चा था लेकिन वो एक लड़की के कपड़ों में था और इसी की वजह से जाओ ने लोलिता के क्लोथ्स बनाना स्टार्ट किया था। तभी जाओ बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तुम लड़की हो या लड़का मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तुम पे क्रश था क्योंकि वाकई में तुम उस लड़की की तरह थोड़ा थोड़ा दिखते हो, पर ये सिर्फ तभी था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन ये बहुत खराब होगा यदि शाने ऐसा सोचे कि मैं उसे सब्स्टिट्यूट की तरह देख रहा हूँ। तो शाने पूछता है क्या तुम अभी भी उस लड़की को पसंद करते हो, और यदि मान लो वो लड़की आ जाए और बोले कि वो तुमसे शादी करना चाहती है तो क्या होगा। तो जो अपने मन में सोचता है कि यदि मैं शाने को बोलूंगा कि मैं उसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मतलब मैं शाने से ही प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या वो कुछ गलत समझेगा। और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे शायद शाने को ये सब नहीं बताना चाहता चाहना चाहिए था,
और वो बोलता है कि शाने बोलता है तुम इतना डिप्रेस क्यों लग रहे हो। और तभी जो को वो बोलता है कि यदि वो लड़की मैं ही होता तो क्या होता। तो बोलता है इन दैट केस मैं तुम्हें बहुत सारा चाहता, मैं क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से ही चाह रहा होता हूँ। ओ तो बोलता है बस इतना ही। तो जो बोलता है इसका क्या मतलब है कि बस इतना ही। तभी वो बताता है कि जिस लड़की से तुम बचपन में मिले थे वो कोई और नहीं मैं ही था। तो जाओ बोलता है सच में, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया। शाने बोलता है मैं एक लड़की था जब मैं छोटा था उस ड्रेस में, एंड वो तुम्हारा पहला प्यार था। और फिर मैं तुम्हें ये सब कैसे एक्सप्लेन करता कि ये सब क्या था और कैसे हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही पसंद है तो तुम शायद मुझे पसंद नहीं करोगे। और तभी जाओ बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लड़का हो या लड़की, मैं तुम्हें शुरुआत से ही प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और आगे भी प्यार करता हूँगा। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं तुम्हारी तरफ से भी हाँ ही ले रह रहा हूँ। और वो बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुमने कहा था कि तुम उसी आदमी से शादी करोगे जो आदमी ड्रेस बनाएगा, तो क्या तुम अपना वादा रखोगे, क्या तुम मेरे से शादी करोगे और मैं तुम्हें सारे के सारे लोलीता क्लोथ्स बना के दूंगा, क्या तुम इस बात पे एग्री करते हो। तो शाहने बोलता है यदि तुम मुझे छेड़ना बंद नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे सारे लोलीता के कपड़े और घर को जला दूंगा। तो जाओ बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें अपना घर भी दे दूंगा। शाने बोलता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम ये अपना घर किसी को भी इजीली दे सकते हो। तो जो बोलता है कि यदि हम शादी करेंगे तो ये शादी के दहेज के रूप में मैं तुम्हें पहले से दे रहा हूँ, और मैं वैसे भी लॉन्ग टर्म वाली चीजें सोच रहा हूँ। और उसको गले लगा लेता और बोल देता है कि ये मैं सीरियस हूँ, क्या तुम सच में मेरे साथ मूव इन करना चाहोगे। तो शाने बोलता है यदि मैं तुम्हें घर के कामों में मदद करूंगा तो ये इक्वल होगा रेंट के लिए। तो बोलता है हाँ ये इक्वल होगा। और दूसरी तरफ शाने का मैसेज आता है डो को कि मैं आज डॉर्म में आज रात को नहीं आऊंगा, यानी वो आज रात को हॉस्टल में नहीं आएगा। और डो सोच रहा होता है कि उसे पहले ही शाने से कन्फेशन कर देना चाहिए था अपने प्यार के बारे में, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और वो ये भी सोचता है कि एक अच्छा इंसान होना भी एक बहुत मुसीबत की बात है। और फिर उसे रोना आ जाता है, वो रोने लगता है। और दूसरी तरफ दोनों लावली और एक्सचेंज यानी चेन चैन और लॉली एक साथ बैठे होते हैं। चैन अपने मोबाइल में कुछ देख रहा होता है और लॉली एज यूजुअल ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी वो फोटो में देख के बोलते हैं कि जो लड़का ने प्रिंस का ड्रेस पहना हुआ है वो बड़ा ही प्ले बॉय है, उसने एक साथ दो लोगों को सिड्यूस किया है। तो चैन बोलता है ठीक है हम इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो बोलता है लावली क्या तुम आज रात मेरे घर आना चाहोगे। तो चैन बोलता है क्या तुम सीरियस हो, हमने सिर्फ अभी हमें डेटिंग करते हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, ये कुछ जल्दी नहीं होगा। तब लावली बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बेटर लाइफ जियो मेरे साथ, और वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ मुझे बहुत लोनली लगता है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि लावली को छोड़ो और इधर ध्यान दो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे बाहर में कोई ट्रबल मचा रहा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो चैन बोलता है कि तुम जाके उनको बाहर फेंक दो क्योंकि ये लड़की भी लड़की नहीं है, ये लड़की भी लड़कों के ड्रेस में है। तो लड़की जाती है और सबको मारपीट के बाहर भेज देती है। तो लावली बोलता है कि वो हमसे मदद मांगने आई थी और तुमने उसे ऐसे ही फाइट करने के लिए अकेले भेज दिया। तभी मारपीट की आवाज आती है क्लक क्लक बूम बूम करके, और चैन उठता है और बोलता है लावली को कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं रात को घर जा पाऊंगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्लीनिंग भी करना है।
तो लवली चैन का हाथ पकड़ता और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो और हम एक दूसरे के साथ ही घर जाएंगे करके दोनों एक दूसरे के साथ ही घर जाएंगे। तभी चैन जाता है और लिटिल ली को बोलता है कि लिटिल लू क्या तुम थोड़ा सा धीरे से काम कर सकते हो, देखो कितना सारा फर्नीचर टूट गया है। तो लू बोलता है कि सॉरी मैनेजर, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, अगली बार मैं केयरफुल होऊंगा। और चैन जो है वो अपना सामान का बिल बनाने लगता है जो जो टूट फूट हुआ है। उसे अभी भी याद है कि 1 साल पहले उसने पूछा था सर आप क्या ऑर्डर में लेना चाहोगे, तब लावली ने बोला था क्या हनी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो आया था रेस्टोरेंट में, लावली उन्हीं के रेस्टोरेंट में हमेशा आता था, तो वो लास्ट टाइम 1 साल पहले एक लड़की के साथ आया था और उसने कहा कि हम बियर और स्टिक्स लेना चाहते हैं। तो लड़की ने कहा था लेकिन ये सब बहुत ही हाई होता है कैलरी में, और फट से उठ गई थी और लावली को डांटने लग गई थी कि हमें जापनीज फूड रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, बाजू के वहाँ पर नॉन कैलरी वाला फूड मिलता है, तुम्हें हमेशा सिर्फ बियर बियर पीने की पड़ी रहती है जो हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं है, तुम बस यही सब करते रहते हो। और तभी चैन ने बोला था कि वो लोग एक शुगर फ्री सोडा भी सर्व करते हैं और उसने कहा हैव ए नाइस डे। और उसके 1 घंटे के बाद लावली वापस उसके रेस्टोरेंट में आया और बोलता है एक ड्रिंक को देख के कि ये लगता है बहुत ही टेस्टी है, तो चैन बोलता है लेकिन ये सेल के लिए नहीं है। तो लावली बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शराब है जिसको मैं पी सकता हूँ और पी के धुत हो सकता हूँ, तो चैन बोलता है क्या तुम बुरे मूड में हो, तो लावली बोलता है नहीं मैं बस शॉपिंग पे नहीं जाना चाहता था। तो चैन बोलता है लेकिन मैं तो नहीं नहीं बोल सकता इसको ड्रिंक के लिए। 20 मिनट बाद वो उसके लिए एक ब्लू हवाई ड्रिंक बनाता है और लावली को देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है लावली की और वो सारा का सारा ड्रिंक उसके मुंह के ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है बिल पे करने के लिए शॉपिंग के, जो तुम यहाँ आके बैठ गए और यहाँ पर आके सो रहे हो और मुझे वहाँ अकेला शॉपिंग बूथ में छोड़े आए थे। और तभी चैन बोलता है मैडम आप मेरी बात सुनिए। तभी लावली सोच के बोलता है कि लेडी तुम यहाँ पर ज़्यादा नॉइस मत करो, तो लड़की बोलती है तुम तो सिर्फ ड्रिंक ड्रिंक करना ही जानते हो और हमें अब अपना रिलेशनशिप छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। तभी चैन पूछता है लावली से क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया उसने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया, तो लावली बोलता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी ही गलती थी कि मैं उसे शॉपिंग बूथ पे अकेला छोड़ आया। और वो खुशी खुशी एक और ड्रिंक मांगता है और बोलता है कि मैं यहाँ हमेशा ड्रिंक के लिए आता हूँ। और चैन बोलता है कि मुझे याद है कि तुम काले रंग का बियर ज़्यादा पसंद करते हो, तो लाली बोलता है मैं हमेशा पीता हूँ लेकिन मैं मूड के हिसाब से पीता हूँ, कभी काले रंग का बियर पीता हूँ कभी वाइट रंग का पीता हूँ, यदि मेरा मूड खुश रहता है तो मैं उस हिसाब से पीता हूँ। तो चैन पूछता है तो आज रात तुम क्या पीना चाहोगे, तभी वो लावली सोचता है बोलता है कि वो मैस्केटो पीना चाहेगा जो कि एक स्वीट वाइन है और लो अल्कोहल है उसके अंदर और इस बार वो इसे पी के ड्रंक भी नहीं होगा। तभी जाओ नहा रहा होता है अपने घर में और जेंस ये शाने सोच रहा होता है कि इतना टाइम क्यों ले रहा है जाओ नहाने में, मैं आज कहाँ सोऊंगा, क्या मैं उसके साथ सोने के लिए सजेस्ट करूं, और आफ्टर ऑल हम लोगों ने अभी अपना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कंफर्म किया है। पर फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा। तभी जाओ नहा के निकलता है और वो बड़ा ही फ्रेश लग रहा होता है और वो पूछता है क्या शाने तुम मेरे साथ आज रात को सोगे, तो शाने एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए बोलता है नहीं मैं एक्चुअली गलत कमरे में आ गया हूँ, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा, और वो चलने लगता है। तभी जाओ पीछे से आता है और उसे हग कर लेता है और पूछता है कि हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, शाने को शर्म आ जाती है उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है
और वो उसे बोलता है, अरे जो मुझे नीचे उतारो। और तभी जो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत सलत नहीं करूंगा। तो शाने बोलता है, क्या तुम सच में नहीं करोगे? तो जो बोलता है, हाँ हम मैं नहीं करूंगा, बिस्तर बहुत बड़ा है, हम दोनों एक एक कोने में सो सकते हैं। और तभी अपने मन में सोच रहा होता है जाओ, क्या मैंने उसे डरा दिया? तो शाने बोलता है, ठीक है फिर, यदि तुम कुछ नहीं करने वाले हो तो फिर ठीक है। लेकिन जाऊ अपने मन में सोच रहा होता है कि वो सच में उसे हक करना चाहिए चाहता है। और शाने सोच रहा होता है कि मैं एक किस जाऊ से चाहता हूँ। तभी दोनों बिस्तर में पहुंचते हैं और लेट जाते हैं। और जो सोचता है कि शाने सच में सो गया है, और शाने सोच रहा होता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और वो सोचता है कि जाऊ सो गया है। और वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके सो रहे होते हैं, और वो देखता है कि जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग है, उसके जीन्स भी बहुत अच्छे हैं। और वो जाओ के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता, ऐसा सोच के वो उसके करीब जाता है और उसके पास जाके सो जाता है। तभी जाओ अपनी आंखें खोलता है, उसे गले लगाता है और अपनी तरफ और खींच लेता है। शाने सोचता है कि ये अभी भी जाग रहा था, वह सोने का नाटक कर रहा था। और जाओ अपना हाथ शाने के शर्ट के अंदर डालता है। तभी शाने बोलता है, अरे अपना हाथ बाहर निकालो, मुझे बहुत ही टिकलिश फील हो रहा है, मतलब गुदगुली लग रही है। और दोनों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सिर्फ हक करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और तभी शाने बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, मुझे बहुत गुदगुली लगती है। तो जाओ बोलता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं बहुत कुछ जल्दी में ही था, हम मुझे तुम्हें कुछ टाइम देना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे से यूज टू होना चाहिए। तो शाने बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक अपना फर्स्ट किस नहीं दिया है। तभी दूसरी ओर चैन और लवली एक सोफे पे बैठे हैं और पूछते हैं, ये जगह तुम्हें कैसी लगती है? ये नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ डिजाइन में है, और इसका लाइटिंग भी अच्छा है, और ये स्पेशियस भी है, और इसका इंटीरियर भी अच्छा है। ये सब चैन लवली को बताता है। तो लवली पूछता है, क्या तो फिर तुम मेरे साथ रहना कंसिडर करोगे? और ये तुम्हारे बार के बाजू में भी है, और मुझे अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा, ये घर वैसे भी थोड़ा बड़ा है, और मैंने इस घर का रेंट भी दे दिया है, और रेंट वेस्ट भी नहीं होगा। तभी चैन बोलता है कि यहाँ रेंट लेकिन बहुत महंगा होगा। तभी लावली बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने 4 साल का रेंट एक ही साथ दिया हुआ है, लेकिन उसमें से भी 2 साल बचे हुए हैं, तो हम ये रेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चैन बोलता है, लेकिन सूनर और लेटर तो तुम्हें यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा। तो लावली सोचता है, हाँ ये बात भी सही है, और लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो ये सोच रहा है कि वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेगा। तभी चैन बोलता है कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ मूव कर लो, तुम्हें रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, और तुम वहाँ जितना समय चाहो उतने समय तक तुम रह सकते हो। तो लावली को लगता है कि चैन जो है वो कितना क्यूट है, और वो बोलता है, बेब तुम कितने क्यूट हो, और ग्लास उठाता है वाइन का। तभी चैन बोलता है, यहाँ वहाँ फूलिंग करना बंद करो और बिस्तर पे चलो। तो लावली बोलता है, ठीक है बिस्तर पे चलते हैं। और तभी चैन बोलता है कि लावली तुम क्या कर रहे हो? लावली बोलता है, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तभी चैन जो है वो पलट जाता है और लावली को अपने नीचे कर लेता है। अब लावली के ऊपर चैन है, और वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपने रिलेशनशिप की तरफ मूव कर रहे हैं? हम इसे थोड़ा स्लो भी ले सकते हैं। तो चैन बोलता है, लेकिन हमें डेटिंग करते हुए भी बहुत कम ही टाइम हुआ है, क्या ये सब करना ठीक होगा? तब लाली बोलता है, यानी हमने अभी तक वो किया नहीं, मुझे लगा हमने कर लिया है, तभी तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। और क्या ये ऐसा नहीं है कि हमने किया है इसलिए मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी? तो चैन बोलता है, नहीं, हम इसलिए मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ, मैं इसलिए तुम्हारे साथ रह रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, और मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता हूँ।
और तभी वो पूछता है लावली से, क्या तुम पहली बार प्यार में हो, तो क्या कुछ गड़बड़ है, करके वो अपने एक दूसरे से बात करते हैं। और तभी वो अपनी मेमोरीज में याद करने लगता है कि उन्हें जावली और चैन दोनों भाई हैं। तो चैन अपनी पिछली मेमोरीज में जाकर याद करता है कि एक बार उससे पूछा गया था, क्या तुम्हें स्टिकी डम्पलिंग्स पसंद है, तो दोनों भाइयों ने सिर हिला के बोला था हाँ, और तभी उनको एक एक डम्पलिंग दी गई थी। और वो सोचता है, जाओ सोचता है कि शान एक डम्पलिंग की तरह ही है जिसे वो खाना चाहता है, और जैन सोचता है कि लावली एक डम्पलिंग है जो जिसे उसे खाना भी देना है और वो सॉल्टेड भी है थोड़ा। तभी कॉलेज के लड़के डावी को बोलते हैं कि यार तुम शाने को बोलो कि वो हमारे साथ ही हॉस्टल में रहे, उसके बिना यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है और सारा हॉस्टल भी कितना अस्त व्यस्त है, मुझे साफ सफाई करना नहीं अच्छा लगता। तभी शाने वहाँ आता है और अपना सामान पैक करके जाने लगता है, और वो बोलता है कि थैंक यू कहता है डाउ को, क्योंकि डाउ को वो सामान पैक कराने में मदद कर रहा था है। तभी डाउ पूछता है क्या तुम दोनों ब्रेकअप करोगे, तो शान बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, तो डाउ बोलता है कि मुझे जाऊ ने सब कुछ बता दिया है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो शान बोलता है क्या बताया उसने, तो डाउ बोलता है एक काम करो तुम बस उसके साथ ब्रेकअप करो, तो शाने बोलता है क्या तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है कि मैं अपना सिंगल लाइफ जो है वो पहले तुम लोगों से गिव अप कर रहा हूँ और रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तुम्हें भी एक दिन कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी डाउ सोचता है कि अरे उसे फ्रेंड जोन कर दिया गया, और तभी शाने बोलता है कि मैं अब तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं कर सकता तुम्हारे बुक्स को सही तरीके से रखने में, तुम्हें अब अपने काम खुद ही करना पड़ेगा। तभी जाओ आता है और बोलता है शाने, और शाने का सामान ले लेता है डाउ के हाथ से। तभी डाउ बोलता है जाओ क्या तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, तो जाओ बोलता है कि नहीं मेरा स्केचिंग क्लास है तो मैं उसे थोड़ा सा स्किप भी कर सकता हूँ, तो डाउ बोलता है यदि तुमने कभी शाने के फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की तो तुम्हें देखना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो जाओ बोलता है थैंक यू डाउ, तो डाउ बोलता है थैंक्स किस बात के लिए, क्या हम एक दूसरे के राइवल्स नहीं है लव में। तभी शाने और जो जाने के लिए तैयार होते हो, जो बोलता है चलो शाने चलते हैं, और डाउ को गुड बाय कहता है शाने और निकल जाते हैं वो दोनों वहां से। तभी डाउ सोच रहा होता है कि आज उसे खूब पीना चाहिए, उसे ड्रंक हो जाना चाहिए, और वो जाके बार में चला जाता है। तभी वहाँ पर लड़की के रूप में एक लड़का आता है और बोलता है सर आज आप क्या पीना चाहेंगे, तो बोलता है कि मुझे कोई एक ऐसी अल्कोहल दो जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, तो लड़की बोलती है लेकिन सबका टॉलरेंस जो है अल्कोहल का वो डिफरेंट होता है, तो जो लड़का है वो उस लड़की की तरफ देखता है, उसके पिंक कलर के हेयर्स देखता है और सोचता है कि ये वाकई में असली है कि नकली है, तो ये जो पिंक हेयर वाली लड़की है वो सोचती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, क्या इसे मेरे पे क्रश है, और डाउ जो है उस लड़की के बालों में हाथ लगाता है और एक बाल तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लावली और चैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो ये खटर पटर की आवाज़ सुनते हैं क्योंकि लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया होता है, तो लड़का लड़की को देख रहा होता है, और लड़की ने डाउ को एक चाटा मार दिया होता है और वो बोलती है आई एम सॉरी मेरे रिफ्लेक्सेस तेज है, मुझे लगा कि तुम मेरे बालों को खींचना चाहते हो इसलिए मैंने तुम्हें चाटा मार दिया, तो दाऊ बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं मेरी गलती है, मुझे लगा तुम्हारे बाल नकली है तो मैं बच्चों के देना देखना चाहता हूँ,
और वो एक दूसरे से अपोलॉजी करते हो। तो उसके बाद वो लड़की जाती है और जाओ के भाई चैन के पास जाती है, बोलती है मैनेजर क्या हम आज उसे लड़के को वाइन जो है वो फ्री में दे सकते हैं, आफ्टर ऑल मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। और लावली और चैन सोच रहे होते हैं कि ये लड़की जो है वो क्या है कि लव सिक है, शादी से भी इसके साथ प्यार हो गया है। और फिर लड़की कहती है कि मैं इसका बिल खुद भर दूंगी आज। तभी लावली पूछता है कि इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी चैन बताता है कि इसे प्रॉब्लम है जो लोग चीटिंग करते हैं और एक साथ दो तीन लोगों को घुमाते फिराते हैं, उससे इसे नफरत है। लेकिन हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं इसका फोटो जो को और शाने को भेजता हूँ। क्या हमने इस लड़के के बारे में गलत सोचा है क्या? तभी लावली पूछता है कि चैन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो एक लड़के और दूसरे लड़के के बीच में प्यार को देख के, क्या ये सब बार्स में कॉमन होता है? तो वो बताता है कि कुछ लोगों को एक डिफरेंट लोगों को मतलब कभी लड़के लड़की को प्यार होता है, कभी लड़की लड़की को प्यार होता है और कभी लड़के लड़के को प्यार होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जितना तुम अपने विचारों को छुपाते हो उतना ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और जितना तुम दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे उतना ही चीजें आसानी से कट जाएंगी। तभी लावली बोलते हैं हाँ वैसे भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले। और ऐसे ही करके चैन बताता है कि उसने कैसे अपना बार खोला और वो कैसे अपने बार को चलाता है करके। तो लावली को पता चलता है कि चैन कोई पुअर नहीं है, वो किसी छोटे घर में नहीं रहता है और वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। तो उसे लगता है कि अब जब चैन इंडिपेंडेंट है तो क्या उसे अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी? क्या अब वो मुझे छोड़ देगा? क्या वो मेरे साथ नहीं रहेगा? ये सोचने लगता है। तभी शाली जो शाने की बहन है, वो शाने और शाली बात करते हैं और शाने बताता है कि शाली मैं जाओ को डेट कर रहा हूँ। तो शाली बोलती है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी आएगा। लेकिन ब्रदर तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम तो हमेशा लड़कियों के कपड़ों में रहते हो, मतलब लोग क्या कहेंगे? तभी शाने बोलता है कि जब तक मैं और जो हैप्पी हैं एक साथ, हमें किसी और की परवाह नहीं है। तभी शाली बोलती है कि ठीक है मेरे सामने लवी डवी होना बंद करो, अभी ही हमने डेटिंग करना चालू किया है और हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो शादी बोलती है कि यदि तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं है तो मैं तो ये तुम्हारा सीक्रेट अपने पास ही रखूंगी, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे मत चले जाना, कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना, तुम्हें आज नहीं तो कल तो घर वालों को बताना ही पड़ेगा। लेकिन मैं भी तुम लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि मैं भी किसी को पसंद करती हूँ। तो जाओ और शानी भी बड़े क्यूरियस होते हैं पूछने के लिए। और वो बताती है कि उसे एक लड़की से प्यार है जिसका वो फोटो सीक्रेटली देखती है, और वो उस लड़की से एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट में मिली थी जहाँ पर वो काम करती है। वो लड़की सेम सेक्स की है, मतलब ये दोनों ही लड़कियाँ हैं। तो शाने बोलता है लेकिन तुम दोनों भी लड़कियाँ हो, मॉम डैड को पता चलेगा तो फिर क्या होगा? तो शालिनी बोलती है कि लेकिन मैं सच में उस लड़की को प्यार करती हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ।
तो शाने बोलता है, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो लड़की लड़कों को पसंद करती है या लड़कियों को करती है। और तभी शानी बोलती है, जब तुम दोनों ने डेटिंग करना चालू किया था तो तुम्हें भी नहीं पता था कि जाओ लड़की पसंद करता है या लड़का पसंद करता है, तो फिर मेरे मामले में ऐसा क्यों कि मुझे पता करना चाहिए कि वो लड़की को पसंद करती है या लड़के को पसंद करती है। मैंने किसी और का प्यार नहीं छीना है, मैं बस अपनी खुशियाँ परसुएट करना चाहती हूँ। और शालिनी ऐसा कह के चली जाती है। तब जाओ कहता है कि शाने तुम जरा रुक जाओ, शालिनी को काम डाउन होने दो। तो शाने बोलते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि शालिनी जो है वो खुश रहे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता चाहता हूँ। तो जो बोलते हैं, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि हमारे थॉट्स जो हैं सेम हैं और उसने हमारे साथ अपने थॉट्स को शेयर किया है। और शाने दुखी हो जाता है और जो को गले लगा लेता है और बोलते हैं कि मैं उन्हें वाकई में बुरे तरीके से पेश आया। लेकिन शालिनी दूसरी तरफ सोचती है कि मैं जानती थी कि यदि मैं उन लोगों को ये बात बताऊंगी कि मुझे भी एक लड़की से प्यार है तो उन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं इस बात को अपने दिल में बहुत दिन तक नहीं रख सकती। और जो शाने है वो मेरा क्लोज फैमिली मेम्बर है, तो कितना भी कुछ भी हो, आज नहीं तो कल तो मुझे उसे बताना ही होगा। और मुझे ये भी पता है कि यदि मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगी तो शाने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं अपने भाई के ऊपर कभी भी इतना प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों को पसंद नहीं करना चाहती, मैं भी लड़कों को पसंद करना चाहती हूँ यदि ऐसा पॉसिबल हो तो, लेकिन मुझे लड़का पसंद नहीं, लड़की पसंद है। जिस लड़की को वो पसंद करती है वो एक्चुअली में लड़की नहीं है, वो भी एक लड़का ही है जो क्रॉस ड्रेसर है और लड़कों के रूप में आता है। और ये लड़की जो है इनकी शॉप की रेगुलर कस्टमर है, जो यहाँ पर आके एकदम हाई फाई लेडी की तरह बैठती है और सिर्फ ब्लूबेरी की टी को ही ऑर्डर करती है। और वहाँ ये इस रेस्टोरेंट में 1 घंटा डेली बैठती है। तभी शालिनी जाती है और उसको ब्लूबेरी मिल्क टी देती है और कहती है कि आप सिर्फ हमेशा ब्लूबेरी मिल्क टी ही ऑर्डर करती हैं, क्या आप कभी कुछ और ऑर्डर नहीं करना चाहती? तो लड़की बोलती है कि मुझे बहुत मुश्किल से मेरा फेवरेट फ्लेवर मिला है, तो मैं अब इसे ईजिली चेंज नहीं करना चाहती। शालिनी को लगता है कि शायद वो कुछ और कहना चाहती है। तभी शालिनी बोलती है कि मुझे सच में तुम्हारे से जेलस होता है कि तुम रोज मिल्क टी पी सकती हो, तुम्हारा वेट भी नहीं बढ़ेगा। तभी लड़की हंसते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ एक ही बार या दो ही बार एक वीक में पीती हूँ। तभी शालिनी बोलती है कि तुम इसी टाइम पे हमेशा आते हो। तो लड़की बोलती है कि क्योंकि मैं इसी टाइम पे वेनसडे के दिन और फ्राइडे के दिन आती हूँ, क्योंकि इसी दिन और इसी टाइम पे स्पेशल टी मिलती है। तो शालिनी सोचती है कि ये थोड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि इसी दिन और इसी टाइम पे उसकी ड्यूटी होती है और हो सकता है ये लड़की भी उसी लड़की मेरे लिए आती हो। और तभी लड़की बोलती है, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे नोटिस किया कि मैं यहाँ पर आती हूँ। और तभी शालिनी के दिल में गुदगुदी होने लगती है और वो बोल सोचती है कि ये लड़की जो है वाकई में उसके लिए आती है, और वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि उसके माँ बाप कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसका भाई ऑलरेडी एक लड़के को चाहता है। यदि दोनों भाई बहन अपोजिट सेक्स को चाहेंगे तो फिर हो सकता है कि उनके घर का ब्लड लाइन नहीं बढ़े, मतलब बच्चे बच्चे नहीं होंगे। तभी शालिनी अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाती है और जा रही होती है और सोचती है कि मैंने आज उसे फिर मिल्क टी और कॉफी शॉप में देखा। तभी वो देखती है कि वो एक लड़की आती है, मतलब वो पिंक बाल वाली लड़की आती है और बोलती है सेफ ट्रिप, ऐसे करके वो जाने लगती है। और शालिनी उसके ऊपर से अपनी नजरें उठाई हटा ही नहीं पाती है और सोचती है कि मेरे बस आइडियल टाइप है, काश मैंने किसी लड़के को ढूंढा होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। और ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि इसे कोई भी लड़का मिलेगा तो वो कितना खुशनसीब होगा। तभी वो देखती है कि लिटिल एक्सू और वो पिंक बाल वाली लड़की बात कर रहे हैं। तभी लिटिल एक्सू शालिनी को भी देखती है, तो वो जाती है और बोलती है, क्या तुम इसे जानती हो?
तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं अपने भाई के साथ घर जा रही हूँ, और क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक भाई भी है और वो तुम लोगों से मिलना चाहती है, और वो कोई और नहीं, ये पिंक बालों वाला लड़का ही मेरा भाई है। तो लड़का हाथ बढ़ाता है और बोलता है, पिंक बाल वाली ये जो लड़की है वो हाथ बढ़ाती है और बोलती है, मैं लूली हूँ, लाउली हूँ, और एक्सू का ब्रदर हूँ, लिटिल एक्सू ब्रदर करके शालिनी इस नाम को अपने दिमाग में रिपीट करती है, और उसे लगता है कि उसके दिल पर जस एक तीर आके लग गया है। ये एक लड़का है, और वो फट से उस लड़के को बोलती है, मिस्टर लू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, मेरे साथ बाहर चलना पसंद कर दोगे क्या? और वो अपनी मन सोचती है कि शाने मैं जिसको लड़की समझ रही थी वो लड़का है, तो अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शाने सोच रहा होता है कि मेरी बहन को भी लड़की पसंद है, हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी एंड ऑल दैट। जो आता है पीछे और शाने को गले लगा लेता है और बोलता है, चिंता मत करो, हम इसमें एक साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तभी शाहने पूछता है, जो क्या तुम्हारा भाई हमको एक्सेप्ट करेगा? तो जो बताता है कि मेरे भाई को मेरे बारे में पता है पहले से, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें एक्सेप्ट करने के लिए, और मेरा भाई बहुत अच्छा भी है। तो शान ने बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो जो बोलता है, तो ठीक है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और जो शाने के ईयर में एक छोटा सा बाइट लेता है, और शाने बोलता है, तुमने मुझे कैसे बाइट लिया? और फट से जो के गाल पे किस कर देता है, और जो शॉक्ड हो जाता है। और तभी दोनों एक दूसरे को लिप किस करने लगते हैं। शाने की आंखें बड़ी बड़ी फटी रह जाती है, और शाने सोचता है कि उसका फर्स्ट किस उसने खो दिया है पहली बार, और वो जो को फट से अपनी बाहों में ले लेता है और अपना सिर उसके छाती पे रख देता है। दूसरी तरफ जो लाउली है वो सोचता है कि मैं कैसे एक लड़की का कन्फेशन मुझे मिल सकता है कि वो मुझसे प्यार करती है, जबकि मैं अभी तो इसके लड़की के आउटफिट में हूँ। और वो लड़कियों के आउटफिट में इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ उसके पास आती है और उसे कन्फेस करती है, तो वो ऐसा प्लान बनाता है कि यदि वो लड़कियों के आउटफिट में घूमेगा तो लड़कियाँ आएंगी नहीं और उसे इन सब चीज़ों की ट्रबल होगी नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी लावली की बहन बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? ये बोलती है, हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं वाकई मैं लूली को डेट करना चाहती हूँ। और मुझे इसके ऊपर क्रश बहुत लंबे समय से था, ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था। तभी लोली पूछता है कि यदि तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं लड़का हूं तब भी क्या तुम मुझसे प्यार करती? लेकिन तुम मुझे कुछ जानती भी नहीं हो। और वो फट से शालिनी जो है वो लूली के मुंह के ऊपर हाथ रख देती है, बोलती है कुछ और मत कर। और उधर पे उसकी बहन बोलती है, बदर हाँ तुम अपने थॉट्स अपने पास ही रखो। और शालिनी बोलती है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं वाकई में तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो। लिटिल एक्सू ने कहा है कि तुम सिंगल हो तो मैं तुम्हें तुम्हें डेट करूंगी। तभी लिटिल एक्सू का भाई बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो लेकिन तुम किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो, तो तुम्हें मेरे से कुछ मिलेगा नहीं। और शालिनी डिटरमिनेंट हो जाती है कि वो वाकई में इस लड़के को डेट करेगी, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो। और
लूली सोचता है कि वो इस लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता है और फिर वो चला जाता है। तभी जाओ और शाने सोचते हैं कि उन्हें चैन से मिलने जाना चाहिए, मतलब जाओ के भाई से मिलना चाहता है और उन्हें कुछ ले जाना चाहिए। तो वो बोलता है हमें कुछ उसके लिए लेके जाना चाहिए। तभी जाओ बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वो बेल बजाने जा रहा होता है, तभी शाने उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तभी जाओ शाने को लिप किस कर लेता है और शाने बोलता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो पब्लिक में, कोई देख लेगा। और तभी चैन जो है दरवाजा खोलता है और दोनों को इस तरह देखता है। तभी शाने बोलता है माफ करें हमने आपको इस तरह से डिस्टर्ब किया। और शाने जाओ को बोलता है लगता है हमने इस तरह जो किस किया उसका गलत इंप्रेशन तुम्हारे भाई पे पड़ेगा। और तभी बोलता है कि ये तुम्हारा ब्रदर है, और ये तुम्हारा ब्रदर नहीं है जो हमारे सीनियर लावली को गोद में उठा के उस दिन रेस्टोरेंट में आया था, क्या ये दोनों बॉयफ्रेंड है? तो दोनों घर के अंदर जाते हैं और चैन जो है दोनों के लिए पानी लेके आता है और पूछता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो वो शाने बोलता है हाँ हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये भी सोच रहा होता है कि जो सीनियर लवली को संभाल ले वो इंसान कितना काम होगा। और तभी बोलता है कि ये ठीक है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम लोग अभी कोई जॉब पे जाओ, क्योंकि अभी तुम लोग बहुत ही यंग हो, तो तुम लोगों को अपना कैरियर बनाना चाहिए। और वो कहता है कि जाओ डिजाइन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तभी वो दोनों ये दोनों लड़के जाओ और शाने अपना स्टडीज का मेजर पार्ट बताते हैं चैन को। और तभी चैन बोलता है कि तुम लोगों को जो है वो प्रोटेक्टेड मैरिज तो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दो लड़के एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते और ये लीगल भी नहीं है। और यदि तुम्हें इस सोसाइटी में अपना पैर जमाने हैं तो तुम्हें अपने लिए पैसा जमा करना पड़ेगा कि तुम एक दूसरे को ओल्ड एज में ठीक से देख सको। तभी शानी सोच रहा था कि हाँ उसने तो ये सब सोचा ही नहीं कि ऐसा सब भी हो सकता हो। और जो बोलता है कि मैं घर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पसंद नहीं है करके। तो शाने बोलता है कि कोई बात नहीं हम धीरे धीरे कैसे तैसे पैसा जोड़ेंगे। और चैन बोलता है कि लेकिन स्टूडियो से भी उसको कुछ पैसा मिल जाएगा और वो कुछ उनकी हेल्प कर देगा करके। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम में इतना करेज है कि हम आगे की प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस करेंगे, हम दोनों एक साथ मिलके अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे और फिर एक साथ मिलके हम एक अच्छी सी जॉब ढूंढेंगे और फिर हम अपने लिए धीरे धीरे पैसा जोड़ेंगे। तभी दोनों अपने घर वापस जाते हैं। शाने जो को शोल्डर मसाज दे रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे शोल्डर्स कितने स्टिफ हैं, आओ मैं तुम्हें थोड़ा मसाज देते जाऊँ तो तुम्हें रिलैक्स फील होगा। और शाने ये भी बोलता है कि तुम्हारा भाई और लावली एक दूसरे के बॉयफ्रेंड है, ये भी एक अच्छी बात है। और तभी जाओ बोलता है कि लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि लावली जो है वो हमेशा उसको कोई ना कोई छोड़ जाता है, और क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमेशा लड़कियों पे पैसे खर्च करता है और उनको, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे कैसे प्यार करना चाहिए। तो शाने बोलता है कि अच्छा तो तुम भी सब गॉसिप्स तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, तुम्हें भी दूसरे लोगों के बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो जाओ बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैंने किसी को कुछ बोलते हुए सुना था। तो जाओ बोलता है कि 1 घंटा हो गया मुझे तुम मालिश दे रहे हो, आओ मैं तुम्हें मालिश दे देता हूँ। ऐसा कह के वो शाने को बिस्तर पे लेटने के लिए कहता है और पूछता है मैं पहले तुम्हारे बैक में मसाज दूँ कि तुम्हारे गर्दन पे मसाज दूँ।
तो शाह ने बोलता मेरे लोअर बैक में मसाज दो। जो अपने हाथों से उसको मसाज देने लगता है, लेकिन उसको बहुत ही गुलगुली लगती है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रुइन हो जाता है और वो गुलगुली का खाते खाते बिस्तर से नीचे गिर जाता है। तभी दूसरी वो रेस्टोरेंट में लावली आता है और पूछता है कि तुम्हारे पास मास्कॉट वाइन है क्या? तो जाओ बोलता है रुको थोड़ा सा रुको, और तभी लावली बोलता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो काफी दिनों से रेस में आया नहीं है बार में। तो चैन पूछता है कौन सा दोस्त? तभी ये लड़का बोलता है कि जैसे तुम डेट कर रहे हो। चैन बोलता है यू मीन लावली, वो थोड़ा बिजी है और हम 2 दिन से टच में भी नहीं थे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उसको फोन करके पूछना चाहिए कि वो कैसा है? तभी चैन बोलता है कि ठीक है मैं फोन करता हूँ। चैन फोन लगाता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता है और फिर वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है कि वो क्या करे, और देखता है कि उसने जो प्रीवियस मैसेजेस किए थे वो मैसेजेस भी रिप्लाई नहीं दिया था। क्या लावली मुझसे नाराज है? ऐसा सोचते हुए वो जाता है और अपने जेब से चाबी निकालता है और उसके घर में चला जाता है, लावली के घर जाता है। और चूंकि लावली ने पहले से ही उसको ये चाबियां दी हुई थी लेकिन कभी भी वो गया नहीं था उसके घर में, इस बार वो बाय चांस चला जाता है। और तभी लावली अपने स्टूडियो में घर के एक कमरे में एक ड्रेस बना रहा होता है और वो कैंची लेके बाहर निकलता है और बोलता है चैन तुम यहाँ कैसे आए, चलो फाइनली तुम कभी मेरे घर तो आए, ऐसे करके वो फट से उसे हग कर लेता है कैंची वैची रख के और बोलता है अब तुम्हें फाइनली तुम्हें तुम्हारे पॉकेट में मेरे घर की चाबी मिल गई। तभी चैन बोलते हैं कि तुम कपड़े बना रहे हो? तो बोलता है हाँ मैं कपड़े बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए सूट बना रहा हूँ, तुम हमेशा ये ट्रैक सूट में ही घूमते हो और मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सूट बनाऊँ। तो चैन बोलते हैं कि स्पोर्ट्स वेयर जो है वो कंफर्टेबल होता है, ड्यूरेबल भी होता है और स्टाइल भी है, ये कभी आउटडेटेड नहीं होता, तो तुम्हें मेरे लिए कोई कपड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही कन्वीनियंट भी है। तो लावली बोलता है कि मैं बस सिर्फ तुम्हें अपने अच्छे कपड़ों में देखना चाहता था और कुछ नहीं, और मेरे फैमिली में सभी लोग कपड़े बनाते हैं, मेरे फैमिली में मेरा कोई भी चांस नहीं है आगे बढ़ने का, बहुत ही कम है क्योंकि मैं उनकी तरह बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली का बिजनेस है जिसमें से मुझे कुछ शेयर मिले हैं और उस शेयर में से मुझे थोड़े पैसे डिविडेंस जो है वो हर साल मिलता रहता है। तो चैन बोलता है लेकिन क्या होगा मान लो कभी वो तुम्हारे शेयर का पार्ट काट लें तो? चैन पूछता है कि तुम्हारी फैमिली को, चैन और सीरियस हो जाता है और तभी लावली पूछता है कि तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम होगी हमारे डेटिंग करने से, और सेम क्वेश्चन चैन भी लावली से पूछता है, दोनों एक दूसरे से सेम क्वेश्चन पूछते हैं और लावली बोलता है कि मेरे घर वाले काफी ओपन माइंडेड है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि हम एक दूसरे के साथ डेटिंग करें तो। इन दोनों की कहानी यहीं पे अभी होल्ड होती है। और दूसरी तरफ क्योंकि शाह ने और जो ने एक दूसरे से कन्फेशन कर लिया है और वो अभी एक दूसरे के साथ घर में एक ही घर में रहने लग गए हैं, तभी ये समस्या आती है क्या उन दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे क्या? तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वो ये प्लान रहता है कि हम कहीं बाहर जाएं घूमने के लिए। चूंकि शाने के घर वाले इस पे जा रहे होते हैं, फेस्टिवल ट्रिप पे जा रहे होते हैं, तो समर ट्रिप है प्लस फेस्टिवल भी है, तो शाने बोलता है जो क्यों ना तुम मेरे साथ ट्रिप पे चलो, मेरे घर वालों से भी मिलना हो जाएगा। तो जो जो है वो एग्री कर लेता है और दोनों उसके घर चले जाते हैं शाने के, फिर वहां से वो लोग ट्रिप में जाते हैं। तब वहां पर जब जो शाने के माँ बाप से मिलता है तो
उनके माँ बाप इन दोनों को देख के बड़े खुश होते हैं। जो शानी की माँ है वो जो से फिर भी अच्छे से बात करती है। ये दोनों बताते हैं कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। लेकिन शाने का जो पिता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है और बोलता है कि ये सब कैसे चलेगा, क्या होगा करके, और क्या तुमने आगे सोचा है कि आगे तुम मैनेज कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो लीगली मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, फिर कैसे होगा तुम्हारा अर्निंग वगैरह करके। तो शाने बोलता है ऐसे मत बात करो जोहू से, जोहू की कोई गलती नहीं है, जोहू को मैं लेके आया हूँ। अब ये सब होता है, ये लोग खाना वाना खाते चले जाते हैं, और जब दोनों माता पिता एक साथ घूमने बाहर जाते हैं, मतलब शाने के फादर मदर, तो उसकी मदर बोलती है कि तुम आज इतने स्ट्रिक्ट क्यों भेजा है, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तब शाने के फादर उसकी मदर को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट हैं, बस उन्हें डर है कि कहीं उनके शाने का दिल ना टूट जाए, क्योंकि जब वो छोटा था और तब उसे लोगों ने बुली किया था क्योंकि वो लड़कियों के कपड़े पहना था, और तब से वो पहनता तो है लड़कियों के कपड़े लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता कि वो एक लड़का है, और छुप छुप के मतलब ऐसे कपड़े पहनता है। और फिर उसके बाद ये लोग वापस जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। जब जो अपने घर जाता है तो वो अपने फादर को बताता है, उसके फादर पूछते हैं कि तुम इस बार वीकेंड में क्यों नहीं आए, तब वो बताता है कि मैं आने वाला था लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ पर गया हुआ था, मैं अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता से मिलने गया था। तभी इन लोगों को ये तो पता हो जाता है कि जो भी है जो रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ है तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन उसी टाइम पे उन्हें पता चलता है कि उनका जो बड़ा बेटा है जो का भाई चैन, वो भी एक लड़के को पसंद करता है, और जो की जो माँ है वो लॉयर है, अच्छी खासी बड़ी लॉयर है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दूसरों के लोगों के नीचे अंडर में काम करना पड़ता है, उसके ऊपर भी काफी बड़े सारे लोग हैं, और उनके बड़े लड़के के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। और जब वो अपने बड़े लड़के को बोलती है कि तुम्हें उस लड़की को डेट करने जाना पड़ेगा, तो चैन फटाक से मना कर देता है, बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, मैं बस उसी के साथ रहना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लूज कर जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो पार्टी मुझे बहुत प्रेस कर रही है कि तुम्हें मेरी लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगा वो प्रॉब्लम हो जाएगा करके। ठीक है, जैन किसी तरह तैयार हो जाता है, और उधर पे लावली की भी यही समस्या होती है। लावली के भी यहाँ पर उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें जाके किसी और लड़की से शादी करनी पड़ेगी नहीं तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। लावली चैन से मिलने नहीं आता है और बोलता है उसे कुछ बिजी है काम में, और वो काम की वजह से उससे मिलने नहीं आ पाएगा। इसी बीच वो जाता है और मिलता है लड़के लड़की से। लड़की बोलती थी तुम शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे, और मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिससे मेरी ये शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़के की माँ जो है वो लॉयर है, पर और उस लड़के को एक लड़का पसंद है। बेसिकली ये जो एक लड़की है, अनजाने में जो लावली है और जो है, उन दोनों का बाप ने उन दोनों के पेरेंट्स, मतलब ये लावली और चैन के पेरेंट्स ने एक ही लड़की को देखा होता है, और इस लड़की का जो फादर है वो इन दोनों पे प्रेशर डाल रहा होता है कि तुम शादी कर लो तुम शादी कर लो, मतलब कोई तो उसकी लड़की से शादी कर ले। लड़का लावली जब मिलने जाता है लड़की के फादर से, तो लड़की के फादर को बोलता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, तो लड़की का फादर बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम किसी को बाहर भी रख सकते हो, एक को घर में रख सकते हो एक को बाहर रख सकते हो, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी कमियाँ निकालता है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। तभी चैन की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है, और फिर वो एक दिन कोशिश करती है कि जाए और जाके चैन के जो बॉयफ्रेंड है उसको जाके कुछ बोले और किसी भी तरह इनका रिश्ता टूटवा दे, तो फिर चैन उस लड़की से शादी करेगा और इनका जो भी बिजनेस है वो बच जाएगा। तो वो जाती है, तब लाओ कुछ घर में काम कर रहा होता है, और वो जाके बोलती है कि तुम क्या दे सकते हो, तुम मेरे बेटे के ऊपर बोझ बन के जीना चाहते हो, मेरे बेटे से खर्चा उठवाना चाहते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा कैसे होगा करके।
और जो तो मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है वो भी मैंने कैसे खड़ा करके दिया है, उसके ऊपर कितना लोन है, ये है वो है करके बहुत कुछ बोलती है। लावली जो है वो बहुत उदास हो जाता है और फिर चैन की माँ चली जाती है, और लावली भी वो चैन के घर से शिफ्ट हो जाता है, वो कहीं और जहाँ पर वो रह रहा होता है पहले रेंट दे के, वो घर भी वो छोड़ देता है, कहीं दूर चला जाता है। चैन बहुत उसको फ़ोन करता है लेकिन कभी लावली उसका फ़ोन नहीं उठाता। लावली के घर वाले भी फ़ोन करते हैं, लावली उनका भी फ़ोन नहीं उठाता और अपना फ़ोन पानी में फेंक देता है, क्योंकि वो दुखी हो जाता है, क्योंकि कोई भी उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर बाद में चैन किसी तरह लावली को ढूंढता है, और जब ढूंढता है तो देखता है वो एक छोटे कमरे में रहता है जहाँ बहुत ठंड पड़ रही होती है, और वो चैन के लिए एक ड्रेस बना रहा होता है। वो दोनों मिलते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, और चैन को लावली उसको वो जो कपड़ा है वो देता है और बोलता है तुम इसे पहन के देखो कि ये तुम पे फिट होता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। वो ले लेता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे का वेट करेंगे, और तभी चैन बोलता है कि वो अपनी पूरी स्टडीज लॉ की पूरी कंप्लीट करेगा और फिर वो लावली के साथ शादी करेगा और साथ में वो दोनों रहेंगे। दूसरी तरफ जाओ और शाने दोनों सेटल हो चुके होते हैं। अब शाने और जाओ एक ही घर में रहते हैं। शाने घर में लड़कियों के कपड़े पहनता है ललिता के, और उसके लिए खाना बनाता है, खाना बना के रखता है, और जाओ काम से घर आता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और हंसी खुशी से रहते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको ये कहानी पढ़ने का मन है तो इस कहानी का नाम है फर्स्ट लव क्रश। आप इसे किसी भी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कुछ इसमें पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।